खबर है मिर्जापुर से। गुप्त नवरात्रि में माँ विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने पहुंची डिंपल यादव। बयान में कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा हमारे गठबंधन का परफॉर्मेंस बेहतर होता जाएगा। बता दें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव ने गुप्त नवरात्र के तृतीय दिन तिथि पर मां विंध्यवासिनी के दरबार में पूजन किया। एक होटल में कुछ देर ठहर कर हाथों में नारियल चुनरी माला फूल और चढ़ावे लेकर मंदिर परिसर में प्रवेश की। गणेश द्वार पर मार्ग होते हुए मां विंध्यवासिनी माता के गर्भगृह में विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चारण के बीच दर्शन पूजन किया। माँ के चरणों में एक जोड़ी पायल बिछिया एवं नथिया लाल चुनरी और द्रव्य अर्पित किया। माँ के गर्भगृह से दर्शन पूजन करने के उपरांत मंदिर परिसर में विराजमान समस्त देवी देवताओं के परिक्रमा करते हुए हवन कुंड की परिक्रमा भी की। दर्शन पूजन तीर्थ पुरोहित विजय बाबू मिश्रा ने कराया। प्रदेश के चुनाव पर कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गठबंधन 50 सीटों पर चुनाव जीत रही है एवं जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस और भी अच्छा होता रहेगा। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। को देखते हुए सीट डिसाइड की जाएगी जी। चुनाव नजदीक है, ऐसे में दोनों पार्टियां माना जा रहा है बीजेपी और सपा दोनों ही प्रतिद्वंदी है। क्या लगता है कौन आगे कैसे सपा परफॉर्मेंस करेगी? अभी जैसे हम जानते हैं वेस्टर्न यूपी में तो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो पूरी अच्छी तरह से 50 सीटें तक जीतने वाला है इस बार। तो मैं समझती हूँ जैसे जैसे चल आगे बढ़ते जाएंगे परफॉर्मेंस और भी अच्छा होगा।